आगे बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबर की तरफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में चाइनीज रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्हें चमगादड़ में एक नया बैच मिला है। चमगादड़ में शोध करने के बाद चीनी वैज्ञानिक ने पाया कि प्रजाति रिनोलोफस ऑस्ट्रेलस में खोजे गए वायरस के एक स्ट्रेन सार्स कोविड-2 के लिए एक आश्चर्यजनक समानता थी, हालांकि वे स्पाइक प्रोटीन में केवल अंतर थे। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बीच मणिपुर सरकार ने 30 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया। मणिपुर सरकार ने 11 जून को 7 जिलों में कर्फ्यू बढ़ाने की घोषणा की। पहले इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग, अखरूल, चूड़ाचंदपुर और बिष्णुपुर जिलों में मामले बढ़ने के कारण 11 जून तक कर्फ्यू लगाया था और अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कर्नाटका में वीकेंड कर्फ्यू 18 जून शाम 7 बजे से 21 जून शाम 5 बजे तक लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि सप्ताहांत कर्फ्यू 18 जून को शाम 7 बजे से 21 जून की सुबह शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही यह भी कहा है कि रात का कर्फ्यू प्रत्येक रात शेष दिनों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच लागू रहेगा। घर घर टीकाकरण अभियान शुरू करेगा बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर शहर देश का पहला शहर बन जाएगा जो कोरोना वायरस के महामारी से लड़ने के लिए घर घर टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इस वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान 45 साल से ऊपर के लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से 52 झुग्गियां हुई राख। शनिवार देर रात दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के मदनपुर इलाके में एक झुग्गी बस्ती में आग लगने के बाद लगभग 52 झुग्गियां जलकर राख हो गई। यह इलाका कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि सुबह 3 बजे तक ही आग पर काबू पा लिया गया था। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने देर रात इस घटना की जानकारी ट्वीट करके दी। जम्मू कश्मीर के हमले में 2 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मौत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी और 3 आम नागरिकों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक शनिवार को आतंकियों ने पुलिस और CRPF के संयुक्त टीम पर हमला कर दिया, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जिनमें 3 आम नागरिक भी शामिल थे। UAE में फिर से खेली जाएगी IPL। भारत में बढ़ते कोरोना मामले के कारण IPL को 2 मई को रद्द किया गया और अब BCCI ने यह फैसला किया कि 19 सितंबर से IPL UAE में शुरू होगी और 15 अक्टूबर को उसकी फाइनल मैच खेली जाएगी। UAE की सरकार ने यह भी कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए 50% भीड़ की अनुमति है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मित्रा ने केंद्रों पर राज्यों पर कोविड वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजर और महामारी से संबंधित अन्य वस्तुओं पर GST लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। लक्षद्वीप के एक फिल्म निर्माता पर लगाया गया देशद्रोह का आरोप, जिसके कारण कई भाजपा अधिकारी सामने आए। लक्षद्वीप के फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर लगाया गया देशद्रोह का आरोप, जिसके विरोध में कई भाजपा अधिकारी एवं नेताओं सामने आकर उनका विरोध किया और उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि ये उनका योगदान है इसमें। बांग्लादेश में शिक्षा स्थानों को 30 जून तक बंद रखा जाएगा। बांग्लादेश में शिक्षा स्थान पहले से ही बंद है, जिसे 30 जून तक और बढ़ाया जाएगा। यह कदम देश के कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है। G7 राष्ट्रों के नेताओं के द्वारा बिल बैक बेटर नामक एक नई पहल की गई शुरुआत। G7 के विभिन्न नेताओं ने पिछले ग्लोबल समिट में बिल बैक बेटर नामक एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ये इनिशिएटिव चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। इस मामले पे अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि ये योजना विकासशील देशों के लिए एक बेहतर विकल्प होगी। पिछले 9 महीनों में सोने की कीमत में हुई पहली बार बहुत भारी गिरावट। देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए कोविड के प्रतिबंधों के कारण सोने की कीमत में हुई उच्च स्तर पर गिरावट। पाकिस्तान ने भारत के 306 तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया। पाकिस्तान ने महाराजा रंजीत सिंह के 182वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया। 300 तीर्थ यात्री लाहौर की गुरुद्वारा डेरा साहिब जाएंगे। 5 विशेष ट्रेन 21 जून को तीर्थ यात्रियों को अटारी से पाकिस्तान ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी खबरें जानने के लिए इंस्पीरिया TV के साथ।